द्वारा बंदूक लहराने का मामला गरमा रहा है। भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत में लिखा कि विधायक वोटर्स को धमकाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से विधायक आर्य मसूद के खिलाफ भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत में कहा है कि विधायक की सभा में आपराधिक व्यक्ति ने हथियार लहराकर वोटरों को धमकाया है। भाजपा ने मांग की है कि विधायक मसूद के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने यह पत्र लिखा है। आरिफ मसूद विधायक हैं, उनके साथ वहाँ बाकी लोग जो अपराधी तत्व सम्मिलित हैं, गन लहराने का ये फोटो इस तरीके के वहाँ के वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास है, दहशत फैलाने का प्रयास है, ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरिफ मसूद की सभा के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर विधायक आरिफ मसूद ने सफाई देते हुए कहा है यह एक फ्लावर गन है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस अपनी सभाई पेश करती नजर आती है। भोपाल नगर निगम चुनाव में समन्वयक बनाए गए सुदेश शर्मा का कहना है कि आचार संहिता के चलते थानों में हथियार जमा कराए जा चुके हैं। बीजेपी फालतू का प्रोपोगंडा करती है। प्रदेश में आचार संहिता लगी है, चुनाव हो रहे हैं और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है मध्य प्रदेश का, कम से कम सबके शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड माने जाते हैं, सबके असलाह जमा हैं और ये कोई बच्चा खिलौना लेकर के खेल रहा होगा, कोई फूल बरसाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट लिए होगा, उसको बंदूक का रूप दिया जाना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार आपकी है, अगर आपको लगता है तो आप जाँच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हथियार लहराने वाले वीडियो को लेकर विधायक आर्य मसूद का कहना है कि भाजपा नेता हार के डर से अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। बात हथियार लहराने की है तो वह एक फ्लावर गन है, जैसे स्प्रे गन, पेंट स्प्रे गन होती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो चुनावों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।